सो व्हाट इज़ अ बॉय, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो विश दिस साइड। एंड आज आपको दिख ही रहा है, हमारे सामने खड़ी है पल्सर 150 एंड पल्सर N150। वेल डेफिनेटली बात करने वाले इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कंपैरिजन इन द सेंस क्या चीज़ें दोनों में डिफरेंस है, क्या प्राइस डिफरेंस है, क्या स्पेसिफिकेशन डिफरेंस है एंड क्या लुक्स में डिफरेंस आने वाला है। तो क्विक स्टार्ट करते हैं बॉयस, किससे स्टार्ट करते हैं? वेल की से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बेसिक से की मैं बात करूँ दोनों ही बाइक्स की, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस तो मैं क्या ही बोलूँ, बस एक हल्का सा ये जो 150 वाला वेरिएंट है तो उसमें सिंपल से एक छोटा सा जो ऊपर का प्लास्टिक है सेम ही है। एंड N150 में आपको जो साइज़ है ग्रैब करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा सा मिल जाता है, ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा बॉयज़। एंड मैं बात करूँ जो 150 का जो फ्रंट लुक है वो आपको रेट्रो पल्सर की याद दिलाने वाला है। वेल डेफिनेटली इंडिया में जो स्पोर्ट्स बाइक की शुरुआत हुई थी वो स्टार्ट किया बजाज पल्सर ने, एंड आपको सेम जो लुक था रेट्रो वाला वो 150 में देखने को मिलने वाला है। एंड जो मैं बात करूँ मड गार्ड की, तो आपको फ्रंट में ही यहाँ पे फाइबर फिनिश, कार्बन फिनिश आपको देखने को मिलने वाला है। वेल N150 में है तो ये थोड़ा डिज़ाइन आपको नया सा लगेगा, पूरा प्लास्टिक है वाइट कलर का, वाइट एंड ब्लैक का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ फ्रंट टायर के साइजेस की, तो आपको ज़्यादा बॉयज डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको मिलते हैं वो RMRF के 90x90 17 वाले टायर, एंड इसमें 80x117 के टायर आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड बॉयज में बात करूँ डिस्क की, तो आपको दोनों फ्रंट टायर में डिस्क देखने को मिलेगा, बट ये उसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, एंड इसमें आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा। एंड टॉप नॉच ऑफ बॉयज बात करते हैं अपना हेडलैम्प, वेल 150 वाला वही रेट्रो डिज़ाइन ही है, तो वही आपको हैलोजन रिफ्लेक्टर वाला देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एक आपको जो साइड DRLs है वो आपको LED वाले देखने को मिलेंगे। एंड बॉयज जो अपग्रेड है N150 में वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वेल जो उसका स्ट्रोक है काफ़ी ज़्यादा वाइड होने वाला है डेफिनेटली। एंड जो सेम आपको जो इसमें 150 के DRL है वही सेम इसमें आपको यहाँ पे बस ये है कि LED बेस ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर इसका अलग आपको देखने को मिलेगा। एंड बॉयज मैं बात करूँ सस्पेंशन की, तो आपको यहाँ पे बस डिज़ाइन में ही थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये अपने पुरानी वाली पल्सर के वही आपको सिंपल से आपको फोक्स देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे हल्का सा आपको मिलेगा कि जो सेक्शन यहाँ पे पार्टीशन है हल्का सा प्लास्टिक थोड़ा ऐड किया है बिल्कुल सेम ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिज़ाइन का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड वो सब मेन बात करें तो हमारे बाइक्स के इंजन जो दोनों ही 150 cc के होने वाले हैं। वेल इसमें जो 150 वाला है आपको DTSI का इंजन देखने को मिलता है, पावर्स दोनों में ही सेम देखने को मिलेगी, 14 PS की पावर है, 13 Nm का टॉर्क है, बल्कि हल्का सा प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा N155 को, उसमें हल्का सा 0.5 का PS आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ऑन रोड कंपैरिजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है N150 में, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। एंड जो बॉयज डिज़ाइंस की अभी बात करें, तो आपको 150 वाले में आपको वही पल्सर को यूनिकनेस जो थी जो स्टार्टिंग वाले लुक्स था सेम आपको वही देखने को मिलेगा। एंड N150 यार ये बॉयज आपकी पर्सनल चॉइस है यार, क्योंकि जिनको रेट्रो वाला डिज़ाइन पसंद है उनको ये 150 पसंद आने वाली है, जिनको थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहिए उसमें डेफिनेटली उनको 150 वाला वो वेरियंट पसंद आने वाला है। एंड बॉयज उसके अलावा बात करूँ तो दोनों में आप बाइक्स में आपको किक्स देखने को मिल जाएगी, एंड जो साइलेंसर है इस वाली बाइक का वेल आपको वही पुराने वाला माउंटेड पीछे की तरफ देखने को मिलेगा, एंड N150 में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा बॉयज। एंड बात करूँ मैं सीट्स की, तो आपको दोनों ही बाइक्स में सेम इंटीग्रेटेड सीट देखने को मिलेगी, वेल जो पिलियन का सीट है वो आपको हल्का से ड्राइवर से थोड़ा ऊपर भी देखने को मिलता है, सेम उसमें N150 में भी वो इस चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एंड जो सीट हाइट का मैं बात करूँ बॉयज, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही आपको देखने को मिलेगी सीट हाइट्स। एंड बॉयज पीछे की बात करूँ, पीछे वाले टायर्स जो होने वाले हमारे, सो आपको जो सस्पेंशन है वो आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाएगा, बट N150 में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, और जो मेन पीछे वाले टायर्स उसमें जो डिफरेंस है, वेल टायर का साइज़ आपको 150 में देखने को मिलेगा 100x90 17, एंड इसमें जो है 120x80 17, वेल टायर में आपको थोड़ा सा सेक्शंस में डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड मैं बात करूँ जो पीछे वाले इंडिकेटर्स है, वेल सेम इंडिकेटर्स आगे भी हैलोजन है, बैक साइड में आपको सेम हैलोजन वाले देखने को मिलेंगे। एंड जो पीछे वाली लाइट होने वाली बॉयज, वेल आपको डिज़ाइन आपको यार याद आ जाएगा अपने पुराने वाली पल्सर का 150 का, सेम आपको दो सेक्शन में पूरा ये LED वाला सेटअप देखने को मिल जाएगा, वेल LED है, हैलोजन है, चेक करें LED ही देखने को मिलता है। एंड वो सेम उसमें है भी दो सेक्शन, बस इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, एंड पूरा ये LED वाला सेटअप ही देखने को मिलता है। वेल यहाँ पे जो हगर है वो आपको देखने को मिल जाएगा N150 वाले में, एंड इसका जो हगर है वो थोड़ा सा आपको माउंटेड मिलता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एंड इसका हल्का सा आपको पीछे की तरफ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बॉयज़ इसका जो लुक है वो आपको थोड़ा सा स्पोर्टी देखने को मिलता है
तो उसकी वजह से है तो बस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, इसको थोड़ा सा एंगल आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस। एंड भाई जो फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो आपको N151 में थोड़ा सा 1 लीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके टैंक की कैपेसिटी है 14 लीटर, एंड 150 वाला हमारा होने वाला 15 लीटर का टैंक। बॉयज़ उसके अलावा मैं बात करूँ चेन सेट की, तो यहाँ पे यार एंड्योरेंस के हिसाब से 150 को बनाया है ब्रांड ने। तो बजाज क्या काम करता है, इसका जो चेन सेट है पूरा उसको कवर कर लेता है। एंड 158 वाला आता है हमारा यार पूरा स्पोर्टी लुक वाला, तो उसका जो चेन सेट है वो आपको पूरा ओपन देखने को मिलेगा यार, पूरा चेन आपको विजिबल रहेगा। एंड जो हैंडल बार में आपको बॉयज़ डिफरेंस देखने को मिलता है, वेल इसका थोड़ा सिंपल सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। जो फोक्स है वो आपको थोड़ा सा डेप्थ में देखने को मिलेगी उसमें, जो क्लिप्स हैं इसके आपके यार हैंडल बार के, एंड यहाँ पे हल्का सा आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। वेल डिज़ाइन में ठीक है, ये वाला ज़्यादा स्पोर्टिंग ही लगेगा आपको। और बॉयज़ मैं बात करूँ जो गियर लीवर, जो गियर्स हैं दोनों में आपको 5-speed सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और गियर लीवर के यार डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो आपको यार वो अपना सिंगल वाला यहाँ पे देखने को मिलता है, जो भी आपको यार सिंगल साइज से आपको गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। एंड हमारे यार 150 में आपको देखने को मिल जाएंगे अपने पुराने कन्वेंशनल वाले गियर सिस्टम आगे और पीछे वाले। वेल ठीक है यार, थोड़े से जो एजेड पर्सन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड बॉयज़ यही सब था बाइक में अभी तक जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।